हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए क्यूब निकालने की ट्रिक्स लेके आया हूँ। इसके लिए आपको 1 से 10 तक के क्यूब की ट्रिक आनी चाहिए, जो कि मैं अपने पहले वीडियोस में डाल चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको 11 का निकालना है, ठीक। 11 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 का क्यूब लिख देंगे और पहले 1 का क्यूब लिखेंगे। पहले इस तरीके से 4 डैश लगाए, तो पहले 1 का क्यूब इस कॉर्नर पर, फिर इस कॉर्नर पर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड वाले 1 से, फिर राइट हैंड वाले 1 से, तो हमारा आंसर आएगा 1331 आ जाएगा, ठीक। अब फिर हमें क्या करना है कि ये 11 और 12 के जो डिजिट आएगी, हमें सिर्फ 3 डिजिट लेनी है अभी शुरुआत में, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 39, ठीक। तो 133 में जब हम 39 ऐड करेंगे, देखो 39 ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा हमें, तो हम क्या करेंगे 40 ऐड कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 173, और हमें एक कम कर देंगे तो 172, ठीक है। अब फिर आगे हमें क्या करना है, 39 पर 8 प्लस कर देना है। देखो 39 पे 8 प्लस करना थोड़ा मुश्किल होगा हमें, तो इसलिए हम 10 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 49। देखो हमने 10 ऐड करा था, तो कितना कम करना होगा, हमें 2 कम करना होगा ताकि हमारे उस पर 8 प्लस हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक। अब 172 में हमें 47 ऐड करना है, ठीक है। अब देखो हम 172 से 2 लेंगे और 47 से 7 ले लेंगे, तो 7 और 2 9 हो गया, 170 में 40 ऐड कर देंगे, तो ये होता है 210, और इस पर 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 219, ठीक है। फिर से हमें क्या स्टेप करना है, तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब में, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इस 47 पे 8 ऐड कर देंगे। देखो 47 पे 8 ऐड करना मुश्किल होता है, तो 10 ऐड कर लेते हैं। 57 में 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, आपके सहयोग की आवश्यकता है मुझे, तो ये हो जाएगा 55। अब हम 219 में 55 ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा हमें, तो हम इसको 220 मान लेते हैं। 20 और 50 होता है 275 हुआ, लेकिन ये 220 नहीं था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 274। फिर से हमें 55 में 8 ऐड करना है, फिर से हम इस पर 10 ही ऐड करेंगे, क्योंकि 8 ऐड करना हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 55 प्लस 8 होता है 63, ठीक। अब ये तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बोलूँगा कि आप 55 प्लस 10 ही ऐड करिए, तो वो होगा 65 में जब हम 2 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 63। 4 हम 63 हुआ, ठीक। 270 में से हम 4 ले लेंगे, और 63 में से हम 3 ले लेंगे, 4 और 3 होता है 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 270 प्लस 60 होता है 330। अब ये 7 हमने 4 और 3 ऐड करके ऐसे लिख लिया, ठीक, ये हो जाएगा 330 में। इस तरीके से हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं लगाना है, हमें इस ट्रिक को करने के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन आने चाहिए इजीली।
तो ये हो जाएगा 330, ठीक है। तो 330 ये हुआ प्लस 7, ये हो जाएगा 337। फिर से हमें 63 पर अब 9 ऐड करना है, हम सीधे 10 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 73, ठीक। अब 73, लेकिन ये 10 नहीं था 9 था, तो इसलिए ये 72 हो जाएगा। फिर से 330 में से हम ले लेंगे 7, 337, और 72 में से हम ले लेंगे 2, और ये हो जाएगा 70 फिर, ठीक। अब ये हो जाएगा 400 और 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर आएगा 409। आगे 72 में फिर हम 10 ऐड कर लेंगे, 82, तो 82 और 9 होता है 91, तो ये हो जाएगा 491। फिर हमें क्या करना है, 82 में फिर से 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 92, ठीक। देखो 90 90 180 होता है, इसको हम यहाँ से 91 ले लेंगे और यहाँ से हम 92 ले लेंगे, ठीक। इसको हमने 400 ले लिया 491 को, क्योंकि यहाँ से हमने 91 अलग कर लिया, तो 400 400 हुआ, 90 90 180 होता है, 180 183 हो जाएगा। 400 में 183 अगर आप ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 583, ठीक है, 583। फिर से 92 में हम 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 102, ठीक। 583 में 2 ऐड कर लो, 585, ठीक है। फिर इस पर 100 ऐड कर लो, 685, ठीक है, ये हुआ 685। और आपको मालूम है 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। बस यही ट्रिक थी, इस ट्रिक की बदौलत आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसके लिए 1 से 10 तक की ट्रिक आनी चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं, उनके क्यूब हमें आने चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 11 वाले में तो है ही, जितनी सारे डिजिटों में 1 से लेकर के 10 तक के नंबर के क्यूब के सिर्फ एक डिजिट, वो भी वंस प्लेस की डिजिट को ही सिर्फ हम लिखेंगे। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 7 आएगा, 4 का 64, 4 आएगा, 5 का 125, 5 आएगा, 6 का 216, 6 आएगा, 7 का 343, 3 आएगा, 8 का होता है 512, 2 आएगा, और 9 का होता है 729, 9 आएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को प्लीज़ पूरा कीजिए। ये आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मैं 50 तक के क्यूब निकालने की ट्रिक भी डालूँगा, और ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगी। थैंक यू।